बिस्मिल्लाह के शुक्र के साथ ही आज का बिलाव करते हैं। शुरू सब भाइयों को मेरा सलाम। तो क्या हाल है सबके? तो यार मैं ना आज मैं सोच रहा था आपसे एक बात करता हूँ माशाल्लाह से हमारे मुल्क की हालात के बारे में। तो क्या जी, मैंने कल पढ़ा है कि ना ये जो माशाल्लाह हमारे मुल्क की महंगाई है ना, वो पाकिस्तान दुनिया का छठा महंगा तरीन मुल्क बन गया। अब देखें, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो एटमी पावर होने के बावजूद उसके ये हाल है, इतनी महंगाई है, इतने बुरे हाल हैं। माशाल्लाह से देखें ना महंगाई कहाँ पहुँच गई। तो ये बजट आया, उन्होंने कोई शायद नहीं महंगी की, मतलब कि सस्ती भी नहीं की तो महंगी भी नहीं की। तो क्या जी, पीछे से ये जो अभी घी है वो महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, क्या जी स्टॉक कर लिए लोगों ने, मिल नहीं रही, तो ये सीन है। तो अभी देखे माशाल्लाह से, और बढ़ रहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ से लोग सबसे ज्यादा हज करते हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हर साल सऊदी अरब जाके माशाल्लाह से हज करते हैं। और हमारा अदालती निज़ाम देखें वो कितने नंबर पे, दुनिया के 31वें या 31वें नंबर पे पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, और हाजी सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में है जी। तो टाइम हो गया है 4:30 का और दिन चल रहा है, चेक करें, माशाल्लाह से बुलबुलों की आवाजें आ रही हैं, कितनी प्यारी, प्योर नेचर। ये गाँव की सुबह किस तरह सुबह हो रही है। तो रात को मैं क्लिप नहीं बना सका, उसकी वजह यह थी कि मैं ना थके हुए थे यार, और मच्छरदानी के अंदर पड़ा हुआ था। अगर मच्छरदानी से बाहर निकलता था तो मच्छरदानी के अंदर इतने मच्छर भाई दाखिल हो जाते हैं कि ना सोने नहीं देते फिर रात को वो। तो अभी देखें ना बंदा है कोई, ना बंदे की ज़ात है। मैं उठाऊँ और इंशाल्लाह अभी कोशिश करते हैं नमाज पढ़ते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। लेकिन यह है कि सुबह हो रही है, परिंदों की आवाज़ें इंजॉय करें। कहीं से कोई बुलबुल बोल रही है, कहीं से कोई चिड़िया बोल रही है, मज़े की आवाज़ें आ रही हैं, मज़े की जी। तो अभी क्या किया, मैंने नीचे उतर आया हूँ, नमाज वगैरह पढ़ ली थी। अभी सबसे पहले बैटरी है ना जो वो लगाई है चार्जिंग पे, ये जो है ना लाइटें उतार के बैटरी चार्जिंग पे लगाई है। अभी दिखाता हूँ आपको, जो धान लगा रहे हैं ना मेरी कैसे उखाड़ रहे हैं और धान कैसे लगा रहे हैं, अभी चलता हूँ उनके पास। अच्छा ना, कभी नाश्ता नहीं बताया आपको मैं कैसे करता हूँ, मतलब कि पंजाबियों का गाँव के लोगों का नाश्ता किस तरह होता है। आई देखिए मैंने नाश्ता क्या किया है, ये है प्याज कटे हुए, दाल चना, और ये है अचार, ये अचार है, और ये रोटी है घी वाली, और साथ सादा पानी। क्योंकि अगर लस्सी हम इस्तेमाल करें तो वो हम करते हैं सुबह हम लस्सी इस्तेमाल करते हैं। अभी तक तकरीबन टाइम है वो 9-10 बजे का हो गया अभी नाश्ता कर लिया। तो आज नाश्ते के अंदर ना लाल मिर्च नहीं है, नहीं तो हम मिर्च भी बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं नाश्ते के अंदर, क्योंकि बड़ा चटपटा सा मज़े का नाश्ता होता है हमारा। अच्छा जी, भाइयों की कॉल आई थी कि नाश्ता ले आओ, कि इधर फॉर्म पे ले आओ, मैं चेक करें नाश्ता उनका ले आया हूँ। इधर ये चाय है, ये चाय है, और उधर पानी है, और इसके अंदर खाना है, मैं ले आया हूँ। अच्छा भाई लोगों ने नाश्ता कर लिया है, तो मैंने क्या सोचा कि उस पैरों है ना उसको छोड़ाता हूँ, उसको मैंने बांध लिया है रस्सी के साथ बांधा है, क्योंकि जिसको देनी है ना उसने कहा कि यार मेरे पास बाइक नहीं है, आप ऐसे करो मुझे दे जाओ यहाँ पे आके। तो चेक करें, इसको मैंने हल्की सी रस्सी थी इधर, इस रस्सी के साथ बांध के मोटरसाइकिल के साथ बांध लिया। अभी क्या करता हूँ, इसको मैं छोड़ के आता हूँ उसके पास, क्योंकि यार ना मैं इससे आवाज़ार हो गया हूँ। एक तो इसकी खूबसूरती है, इसने खुद बिगाड़ लिया, जब लेके आए थे बड़ी खूबसूरत थी, गंद खा खा के। दूसरा ये लुटर हो गई है, रुलती ज़्यादा है, इधर से नीचे से निकल आती है, ये चेक करें, ये खड्डे इसी ने बनाए हैं, और ये इसके पाँव के निशान, नीचे से निकल आती है, और सारी रात भाई। तो वैसे डॉग का हमें कोई फ़ायदा नहीं है और ना हमें ज़रूरत है, अगर जैगी इसके साथ रात वो भी बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा इसको छोड़ के आता हूँ मैं अभी। अच्छा यार ना, जिस रस्सी के साथ मैंने बांधी थी ना वो उसके गले से ही निकल गई है, अभी ये चेक करें, रस्सी जो है वो बिल्कुल फ्री हो गई है, लेकिन जो सपैरो है वो फिर भी पीछे आ रही है मेरे साथ साथ, मतलब कि वो आ रही है फिर भी मेरे साथ साथ, रस्सी निकल गई है लेकिन वो भाई फिर भी रस्सी के साथ साथ बिल्कुल दौड़ी आ रही है वैसे ही, थी तो वफादार लेकिन क्या करें यार, अब ये है कि
बीमारियां तो नहीं ना ले सकते फिर। अब जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है वो तो इधर कोई सीन ही नहीं है, ये देहाती एरिया ऐसे जैसे दरियाई बेल्ट होती है, तो वो तो मुश्किल है वैक्सीनेशन वगैरह। तो इसलिए मैंने सोचा है कि यार इसको कहीं ना कहीं पे छोड़ ही आते हैं, यही बेहतर है। कभी आ रही है साथ साथ, ये आ रही पीछे वैसे ही दौड़ के आ रही है। अच्छा जी, अभी काफ़ी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर सफ़र तय कर ली है और सितारे माशाल्लाह से देखें, ये मेरे साथ ही है बिल्कुल, और सांस के सांस उसकी साथ नहीं मिल रही। अभी क्या है कि मैं तकरीबन करीब ही पहुंचा खड़ा हूँ, तो अभी इसको उनको पकड़ाते हैं, अगर पकड़ी गई तो दे के तो इंशाल्लाह चलते हैं वापस। फिर लो जी, स्पैरो को छोड़ा है, अभी रस्सी उसकी साथ ही लगी हुई है ये देखे। तो अभी क्या है, अभी मुझे उम्मीद तो नहीं है कि वो आए वापस, लेकिन आ भी सकती है, कोई पता नहीं है। अगर उन्होंने उनसे छूट गई तो वापस भी आ जानी है। तो अभी क्या करते हैं, अभी रह गया हमारे पास चेकी, और जैकी की अच्छी से अच्छी तरह से ना ट्रेनिंग करेंगे, अच्छा ट्रेन करेंगे, अपने साथ कैसे रखना है, कैसे कैसे उसको अपनी ज़ुबान समझानी है, उसको अच्छी तरह ट्रेन करेंगे। और अभी जैकी को इंशाल्लाह खाना डालते हैं, उसको दूध देते हैं पहले, उसके बाद रोटी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ना, जैकी को पहले दूध डाला है और दूध के अंदर थोड़ा सा ना पानी डाला है, क्योंकि पानी इसलिए डाला है, गर्मी है ज़्यादा और इसके बाल हैं बड़े बड़े, और पानी डाल दे तो जो इसकी प्यास है ना फिर वो बुझ जाती है अच्छी तरह से। अगर पानी ना डालें तो फिर अकेले दूध से प्यास नहीं बुझती। तो थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छी तरह से अब ये पी लेता, फिर इसके बाद इसको रोटी डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, रात को ड्यूटी मेरी थी, जिस वजह से भाई आज सारा दिन मैं ना बड़ा कम ही आया, सिर्फ सुबह भाइयों का नाश्ता लेके आया था, उसके बाद मैं नहीं आया अभी फार्म पे। तो अभी आपका भाई आया क्यों है, क्योंकि भाई बंदा ये चेक करें लेज़र फेर रहा है, हमारे बाकी कुछ एकड़ रहकर रहता है उनको लेज़र फेर रहा है। तो भाई ने कॉल किया, भाई पानी ले आ, तो मैं लेके आया हूँ उसके लिए कोक। मैंने कहा भाई बंदे को कोक पिला के ठंडा करते हैं, कोक लेके आए हैं उसके लिए, उसको पानी पिलाते हैं। वो सामने भाई हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उसके पीछे ये चली के पीछे वो मतलब के ना लेज़र वाला है, जो लेज़र चला रहा है। अच्छा गाने चेक करें वो किस तरह के सुन रहे हैं, समझ नहीं आ रहे मुझे जो सुन रहे हैं वो। दैट्स क्लासिक, पंजाबी क्लासिक, पंजाबी क्लासिक सॉन्ग्स हैं। बड़े भाई बैठे हुए। अच्छा अभी वो उसको बुलाते हैं भाई को कि आके पानी पी ले। आ रहा है जी वो, उसको कह वो यहीं पे आ रहा है, उसने इशारा किया है मुझे, तो यहीं पे रुकते हैं, आते हैं उसको पानी पिलाते हैं। तो उसको ना पानी पिला के लेज़र वाले को मैं आ गया था, अभी मैंने चलाई ये मोटर, गर्मी काफ़ी लग रही थी घर में तो मैंने ही नहाया, मोटर अभी चल रही है देखे ना, थोड़ा सा पानी निकाल दिया पैनल के मुँह मोड़े में, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी हो गया, अभी ये कि एक पैनल की दूसरे पैनल के ऊपर जो है ना साया आना शुरू हो गया। तो स्पैरो तो है नहीं, वैसे स्पैरो को याद भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक भाई इतने इतने से थे जब मैं लेके आया था, उनको छोटे छोटे से थे, तो अभी याद आ रही है उसकी, क्योंकि खुला छुड़ा हुआ था, जब भी मैं ऐसे बाहर जाता था ना वो मेरे साथ होती थी, ऐसे ही बाहर निकल आती थी पीछे पीछे। तो भी ये वो तो है नहीं, अभी क्या करना है, मैंने जैकी को छोड़ना है, उसको वाक करवाते हैं। अब जैकी को डेली वाक करवाया करेंगे, जो काम से पैरों करती थी अभी मैं है ना जैकी से इंशाल्लाह करवाएंगे, क्योंकि इसको साथ साथ रखेंगे, फुल ट्रेन करेंगे जैकी को, क्योंकि है ना कैसे आपने भाई मेरे साथ रहना है, कैसे आपने मेरी आवाज़ पर किधर जाना है किधर आना है। तो इसको वाक भी करवाते हैं, अभी इसको इंशाल्लाह डेली वाक करवाया करेंगे। तो नहा के बिल्कुल फ्रेश हो गए, घर में नहाने का मज़ा नहीं है जो इस तरह ना खुले पानी में नहाने का मज़ा है। अभी क्या करते हैं, मोटर बंद करते हैं और जैकी खोलते हैं और इसको साथ लेके चलते हैं, और वो लेज़र वाला लेज़र कर रहा है, तो मैं भी मतलब ना भाई ने कहा कि आप भी इधर रुको, मैंने ज़मीन बनानी है, तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि जैकी को साथ लेके चलता हूँ, एक तो नहा के फ्रेश हो गए, जैकी को साथ लेके चलते हैं, फिर चलते हैं और लेज़र वाले के पास इंशाल्लाह। जैकी को मैंने खोल लिया, आज मैंने क्या किया इसकी चेन बिल्कुल ही उतार ली है, मतलब कि ये जो पट्टा है ना वो भी उतार दिया। मैंने कहा तकरीबन जब से लेके आए हैं आज पहले दिन पट्टा उतारा है, मैंने कहा आज पैरो तो है नहीं, अभी ये मेरे साथ साथ रहेगा, अभी ये कहीं नहीं जाएगा। तो अभी भी इसको फुल तरीके से ना, एक तो ये है कि इसको हो सकता है कुछ सुकून मिले, गर्मी ज़्यादा है, मैंने कहा छोड़ते हैं साथ वॉक करवाते हैं। ये देखें ना पानी के अंदर कितना मज़े कर रहा है, ये पट्टा खोला है, कोई ना गर्दन को इसको सुकून मिले यार, बड़े दिन हो गए हैं कि जब से ले आए हैं, काफ़ी तकरीबन 5वां हो गए अभी तो पट्टा नहीं उतारा था, आज मैंने उतार दिया। मैंने कहा अभी स्पैरो तो है नहीं, पहले यह था कि स्पैरो साथ होती थी, पट्टा नहीं उतारता था कि बाज़ दौड़ के पकड़ना पड़ सकता है,
अभी इसने कहीं नहीं जाना, अभी ये मेरे साथ साथ रहेगा, देखे ना, बिल्कुल साथ साथ एंजॉय करेगा। अच्छा जी, 3 एकड़ को हमारा लेजर मुकम्मल हो गया, तो अभी रह गया सिर्फ 1 एकड़, और वो है आगे, तो अभी उसको ट्रैक्टर वाले को मैंने बता दिया, आगे आगे उसको बता दिया मैंने, अभी वो आ रहा है आगे, तो वहाँ पे लेके चलते हैं जो रह गया अभी 1 एकड़, वो मंगवाते हैं। और जैकी साहब मेरे साथ, ओए आजा, ये दौड़ता आ रहा है, अभी चेन शेन उतारी हुई है, इजी किया हुआ है इसको, लो भी इन बकरियों की याद भी आज देखते हैं। ओए जैकी, जैकी गया भाई बकरियों के पीछे, जैकी अभी बारी है जी इस वाले 1 एकड़ की, तो ये वाला रह गया अभी सिर्फ, अभी बारी इसकी है, और ये वो जा रहा है लेजर वाला, और अभी भी भाई भी यहाँ बना रहे हैं, हल लगा रहे हैं, और ये लाला जो आ रहा है ये बकरियों वाला। जैकी ने भाई बकरियों के साथ अच्छा खेल पेश किया है, लेकिन है कि अभी मेरे पास है और बकरियाँ दूर हैं, तो जैसे ही मैं बकरियों के पास गया अभी वीडियो भी बना के दिखाऊंगा, दिखाऊंगा आपको क्या करता है जैकी। अच्छा जैकी की चेन मैंने उतारी हुई है, वो भाई आए हैं वो बकरियों वाले, ये लेके ना, ये जो पड़ी हुई है ये है बेरी की लकड़ियाँ, तो ये उसने बकरियों पर डाल ली थी, भाई जैकी पड़ गया था उसे, तो जंजीरी थी नहीं उसके गर्दन में, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हाथों से उसको पकड़ के रखा है, नहीं तो भैया आज वो गया था, काट लिया था जैकी ने उसको। अच्छा जी, वो जो लेजर का ड्राइवर है ना, उसने पानी मांगा है, और टाइम तकरीबन 5 बज गए, अल्लाह करे मोटर चल जाए, और जैकी भाई भी मेरे साथ हैं, तो पानी लेके चलते हैं उसके लिए, अल्लाह करे मोटर चल जाए, नहीं तो मुझे फिर ना गांव जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। माशाल्लाह से हमारी किस्मत चेक करें, सिर्फ उतना को एक पंप के जितना पानी है कि बोतल भर जाए बस, तो जल्दी से भरते हैं और पानी लेके चलते हैं उस भाई के लिए, और जैकी रोटी खा रहा है। माशाल्लाह से हमारी किस्मत देखे कितनी अच्छी, पानी भर लिया, अभी मोटर को कर देते हैं बंद, ये होगी बंद, मोटर को बंद करके रूम को लॉक लगा के, रूम को लॉक इसलिए लगाते हैं कि वो राज की बात है, वो नहीं बतानी मैंने। अच्छा जो पानी है भाई को पिला दिया, अभी बारी है ड्राइवर की, तो लेजर वाले ड्राइवर की, उसके पास जा रहा हूँ मैं लेके, वो खड़े हुए, और ये पानी है मेरे पास, और पिलाते हैं पानी उनको भी। अभी देखें जैकी बकरियों के साथ क्या करता है, जैकी चल, ये देखें अभी क्या करता है, ये देखें, नहीं पैंदा है ना डर। अच्छा ना जैकी बार बार जा रहा है बकरियों की तरफ, लेकिन बकरियों को कुछ नहीं कहता, लेकिन जो मालक है उसके पास है डंडा, और जैसे ही मालक दिखाई देता है वही उसकी तरफ, तो ऐसे दौड़ता है जैसे काटना हो उसको। अभी तो ये देखो वो जा रहा है। अच्छा मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमने जमीन बना के, जिसका व्लॉग भी बनाया था सारा, जमीन बनाने का, काश्त करने तक, पानी लगाने तक सारे व्लॉग उसके अपलोड है, अभी दिखाता हूँ वो हल्दी कितनी कितनी बड़ी हो गई है। और ये देखें, ये है भाई वो हल्दी जिसकी ज़मीन मैंने बनाई थी, साथ व्लॉग भी बनाया था, इतनी इतनी बड़ी हो गई है वो, और साथ गंद भी हुआ खड़ा ये वाली, और साथ इसके अंदर भाई गंद भी हुआ खड़ा। अब जिस दिन ये होगा, अब जिस दिन करेंगे ना स्प्रे, तो थोड़ा सा नीचे रख के इसको ग्लाफोसेट का स्प्रे करेंगे इसको, ताकि ये जो गंद है ये साफ़ हो जाए। अच्छा जैकी की ना काफ़ी अच्छी वॉक हो गई है तकरीबन, आज इसको 2 से 3 घंटे तकरीबन वॉक करवाई है, और अभी ला के बांधा, और अभी चेक करें, एक तो फ्रेश हो गया, अच्छी भली खुली डुली वॉक करवाई, और जो काम है हमारा वो भी तकरीबन कंप्लीट हो गया, सिर्फ आखिरी 4 कनाल रह गई है जिसको लेजर रह गया, और वह तो क्या गया उसको भी लगा हुआ बंदा, उम्मीद है 2 घंटे तक काम हमारा कम्प्लीट हो जाएगा।